नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर तरुण और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो का टॉपिक है कि अगर आपके नाक की स्मेल चली जाती है तो कॉमनली देखते हैं तो उसका सबसे बड़ा कारण कौन सा हो सकता है। अभी मैंने हाल फिलहाल में कमेंट्स पढ़े जो मैं आपको शो करूँगा, तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं जो इस तरह की गलतियाँ करते हैं। काफ़ी सारे पेशेंट्स हैं जिनको थोड़ा सा भी जुकाम होता है, इवन दो तीन छींकें आती हैं वो मेडिसिन खा लेते हैं, थोड़ी सी नाक बहती है वो मेडिसिन खा लेते हैं, इवन छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उन तक की नाक बहती है तो वो चाहते हैं कि उनकी नाक बिल्कुल बंद हो जाए, कुछ भी नहीं निकलना चाहिए बाहर। उसके लिए वो बहुत सारी मेडिसिन्स करते हैं, एंटी एलर्जिक मेडिसिन करते हैं, एंटी हिस्टामिनिक मेडिसिन करते हैं कि नाक तुरंत से बंद हो जाए और जो छींकें आ रही हैं वो तुरंत से बंद हो जाए। अब ऐसा करने से काफ़ी लोगों के अंदर बहुत सारी समस्याएँ हो सकती हैं, जिनमें से एक आता है लॉस्ट ऑफ सेंस ऑफ स्मेल, उनकी नाक के सूंघने की क्षमता चली जाती है या फिर कम हो जाती है। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। जब भी हमारी बॉडी किसी भी इन्फेक्शन की चपेट में आती है तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम इतना अच्छा है कि वो उसको ठीक करने की क्षमता रखता है, इवन उसको ठीक भी कर देता है। अब वो ठीक कैसे करता है? अगर आपके पेट के अंदर कोई इन्फेक्शन हुआ है तो आप जानते हैं, अगर आपने कोई फूड ऐसा खाया है, कोई बाहर से ऐसी चीज़ खाई है जिससे कि आपके पेट के अंदर वो चीज़ समस्या कर सकती है, आपकी बॉडी के लिए समस्या कर सकती है, तो हमारी बॉडी उसको लूज मोशन के रास्ते से दस्त करवा के उसको ठीक करती है। बट पेशेंट उसमें भी एक दो लूज मोशन में भी वो मेडिसिन खा लेते हैं उसको रोकने की, उसकी वजह से उनको फीवर आता है, पेट में दर्द होता है और कई तरह की समस्या होती हैं, क्योंकि वहाँ पे पेशेंट ने, मरीज ने वहाँ पे जो हमारी बॉडी का काम था उसको इंटरप्ट कर दिया, उसको ठीक से काम नहीं करने दिया। इसी तरीके से वॉमिटिंग भी एक तरह की कंडीशन होती है, जहाँ पे फूड पॉइजनिंग हुई, कोई गलत चीज़ गई बॉडी के अंदर जो जानी नहीं चाहिए थी, बॉडी उसको बाहर निकाल लिए उल्टी करवा के। अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको उल्टी में मेडिसिन नहीं खानी है या दस्तों में मेडिसिन नहीं खानी है। आप देखिए, आपकी कंडीशन ठीक नहीं हो रही है, वो ठीक नहीं हो पा रहे हैं और बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तब आपको मेडिसिन की ज़रूरत है। लेकिन नॉर्मली देखता हूँ मैं पेशेंट, एक दो उल्टी हो जाती है, उनसे पता नहीं सहन नहीं होती, वो मेडिसिन खा लेते हैं। एक दो लूज मोशन होते, कहते हैं जी हमें बहुत कमजोरी हो रही है, वो मेडिसिन खा लेते हैं लूज मोशन के लिए। तो इसी तरीके से ये हमारी बॉडी का सिस्टम है कि जो हमारे अंदर बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स गए हैं वो उनको बाहर निकालेगी। अब वो बाहर तो इसी तरीके से निकालेगी, या तो आपको वोमिटिंग करवाएगी, या आपको लूज मोशन होंगे, या फिर आपको जो है बलगम आएगा, या फिर आपको जो है छींके वगैरह आने शुरू हो जाएंगे। तो छींकों में मेडिसिन खा लेते हैं जिसकी वजह से सिस्टम अंदर रुक जाता है। मोस्टली केस में देखते हैं तो खांसी हो जाती है, और कुछ केसेस में देखते हैं तो वहाँ पे नाक की गंध चली जाती है, क्योंकि वहाँ पे क्लियर नहीं हो पाया और वो चीज़ें वहीं पे अंदर सारी रुक गई हैं, और उसकी वजह से बस वो फिर परेशान रहते हैं। इवन जहाँ पे दो तीन दिन में छींकें अपने आप ठीक होने वाली थी विदाउट एनी मेडिसिन, वो उसको मेडिसिन खा के अपनी जो बॉडी का प्रोसेस है ठीक करने का, उसको वो बढ़ा देते हैं। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। अगर आपको छींकें वगैरह हो रही हैं, जैसे मौसम चेंज हो रहा है, वेदर चेंज हो रहा है, तो काफ़ी लोगों को समस्याएं आ रही हैं कि छींकें हो रही हैं, फीवर हो रहा है, कफ कोल्ड हो रहा है, तो कोशिश ये करनी है कि शुरू के एक दो दिन आप वेट कीजिए। अगर आपको छींकें आ रही हैं, फीवर वगैरह है, तो आप मेडिसिन जरूर लीजिए, बट आपको छींकें वगैरह आ रही हैं तो थोड़ा वेट कीजिए। ज़्यादा प्रॉब्लम है तो होम रेमेडीज यूज़ कीजिए, जिससे कि आपकी जो कंडीशन वो तुरंत से सप्रेस नहीं होगी, जो एलोपैथिक मेडिसिन वो तुरंत से सप्रेस कर देती हैं। छोटे बच्चों को अगर सीनारेस्ट का सिरप देते हैं वो तुरंत से वहीं पर रुक जाएगा। बड़ों में अगर कोई एंटीबायोटिक दें, हिस्टामिनिक मेडिसिन दें, उसी तरीके से अगर बड़े लोगों में मेडिसिन दी जाए एंटीहिस्टामिनिक, चाहे सिट्राजीन है, लिवोसिट्राजीन है, एलेग्रा है, तो वो छींकें उनकी वहीं पर रुक जाती हैं और उनको आने वाले समय में इस तरह की समस्याएँ हो सकती हैं। तो मेरी बात मानिए, इसी तरीके से आप कीजिए। आपकी प्रॉब्लम ज़्यादा है तो ही आप मेडिसिन लीजिए, अदरवाइज बॉडी को अपना आप काम करने दीजिए, ठीक है। आई होप दोस्तों आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।